अब ये दिखाए ना कि भैया जो हमारे पीएम उन्होंने पैसे भिजवाए इन लोगों के अकाउंट में, ये थोड़ी दिखाएगा वो। हाईवे पे टॉयलेट की सुविधा बहुत अच्छी बात है। अबे ये टॉयलेट वर्कर की है आरामी। और इसके होट ये ऐसे संतरे जैसे, भाई तेरी तरह खाता तो नहीं क्या ये? खुल जा टिम टिम, खुल गया खुल गया यार। पिताजी खुदकुदी सी हो रही यार मेरे, थोड़ी सी सैम को पीछे भेज दो ना यार, कोई इतनी शर्म नहीं होने वाली बहू के सामने कच्चा पहन के आ गए आप मेरे कमरे में। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो कैसे आप लोग, होप कर दो सब बढ़िया होंगे मजे करेंगे। तो हमारे साथ हमारे माइकल दादा दोबारा से आ चुके हैं आप सबके लिए एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेके। पिछले एपिसोड में आपने देखा हो कि जिमी की जो तबीयत है बिल्कुल ठीक हो चुकी है और बेहोश था वैसे तो, पर आज मेरी सुबह बात हो चुकी है, वीडियो कॉल पर बात होगी, अच्छी तरह बात कर रहा है और डॉक्टर ने ये कहा कि आज हम उसे ला भी सकते हो। तो देखते हैं उसको घर पर लेके आएंगे या नहीं। ऊपर से माइकल दादा का दिमाग खराब हो रखा है क्योंकि आपको तो पता ही है कल क्या सीन हुआ था। एंड में जब माइकल दादा टीवी देख रहे तो इनके बारे में बोला जा रहा था कि ये लॉस सैंटोस में ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी मीटिंग्स में नहीं आ रहे, तो आज इनकी मीटिंग से पहले वहां जाना है। तो ठीक है गाइस, फटाफट वहां चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो, तो लेट्स गो। और सिमियोन है गाइस वो दूसरी वाली गाड़ी ले गया जिसमें मैं घुमा करता था, और स्कॉर्पियो छोड़ गया क्योंकि उस गाड़ी की सर्विस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। गाड़ी हमें आज दिन तक मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं वैसे तो। तो अभी फिलहाल हमें स्कॉर्पियो में जाना पड़ेगा, मेन बात ये है। तो चलो नॉट अ प्रॉब्लम यार। और जो लॉस सैंटोस में थोड़ा बहुत माइकल ने स्ट्रेटेजी यूज कर रखी है अपनी, किस चीज़ में क्या क्या करने वाले हैं वो आपको आगे देखने को मिलने वाला। तो लेट्स गो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलो माइकल दादा जा रहे हैं। और माइकल दादा ने गाइस वहाँ पे व्हाइट हाउस में आके बोल दिया कोई भी न्यूज चैनल वाला अंदर नहीं आना चाहिए, किसी की गाड़ी नहीं आएगी। सिंपल सी बात यही है, गाड़ी आ जाती है ना फिर आपको भी पता है क्या सीन होगा क्या नहीं, क्योंकि अभी मीटिंग है। और पता नहीं न्यूज वाले पहुंच कहाँ से गए ये चूल पता नहीं गाइस। ये देखो ये वाली स्कॉर्पियो जो है सिमियोन ने भेजी है गाइस, और वो गाड़ी आई जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक हमें इस स्कॉर्पियो से ही काम चलाना पड़ेगा, घर की सिक्योरिटी पूरी टाइट है, बस जिमी को लेके आ जाना है आज। अब जहाँ तक बन रहा है प्लान, जिमी आज ही आ जाएगा और गाड़ी आप देख ही सकते हो ये वाली। तो देखते हैं, अगर जिमी को लेके आना पड़ेगा तो भी बिल्कुल आराम से लेके जाना पड़ेगा, दो गाड़ियाँ तो लेके जानी पड़ेगी जब जिमी को लेके आना है तो गाइज। बाकी देखते हैं क्या सीन होगा क्या नहीं, वो तो अब आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो मेन बात गाइज मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहे, हट जा बे कटरीना कैफ, कि वीडियो के ना गाइज कमेंट ऑफ हो जा रहे हैं, पता नहीं क्यों क्या सीन हो रहा है। तो अगर आप कोई भी लोग सजेशन वगैरह देना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप फॉलो करके वहाँ पे मुझे सजेशन दे सकते हो। पता नहीं यार ये क्या ग्लीच है, क्या हो रहा है मेरे साथ, ये ऑटोमेटिक ही इसके कमेंट्स ऑफ हो जा रहे हैं। पर चलो कोई नहीं, इसका भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे, आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। और फिलहाल माइकल दादा निकल चुके हैं व्हाइट हाउस के लिए, वहाँ पे मीटिंग के लिए। तो थोड़ी बहुत मीटिंग होने वाली है और इस चीज़ के बारे में भी मीटिंग होएगी यार। ये न्यूज़पेपर वाले छुल करके जो बेइज्जती करके गए ना माइकल दादा की कल, आपने देखा इनका न्यूज़ चैनल बंद करा देना मैंने, सही में दिमाग घूम गया ज़्यादा। तो चलो देखते हैं, अब करना तो पड़ेगा गाइस। तेरी भूत नहीं क्या, आराम से गाड़ी चला ले, दिखता नहीं गाड़ी जा रही है स्कॉर्पियो। तो देख सकते हो कैसे माइकल दादा प्यार से गाड़ी भगा, अरे तेरी दे 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 तेरी भैंस की, इधर आ जा बेटा आ जा, सीधा लेके जा रहा है इंडिकेटर तेरा फूफा देगा जो इतना बड़ा तेरी गाड़ी में लगा रहा, आ जा बाहर आ जा भैंस की आप, हैं कौन देगा फूफा देगा, मैं दू तेरी गाड़ी में आके इंडिकेटर। वैसे दिमाग खराब घूम रहा है माइकल दादा का, बहुत गंदा दिमाग खराब हो रखा है गाइस। और इंडिकेटर नहीं देते ना जैसे सुअर बंदे, तो मन करता है भूत बना दूं भैंस की आप। लेट्स गो, गाड़ी इतनी बढ़िया लेके इंडिकेटर देना आता नहीं, पता नहीं कैसे फुदू फुदू बंदे भरे हैं यार यहाँ। चलो गाइस गाड़ी दोबारा से पीछे ले लिया, वो तो माइकल दादा ने हल्की सी संभाल ली, पर गाड़ी फिर भी देख लो यार थोड़ी सी तो कंट्रोल के बाहर हुई थी, ये देख लो क्या हो गया गाइस गाड़ी में। पर चलो कोई नहीं, अरे तेरी भैंस की आँख। तो ठीक है फटाफट चलते हैं व्हाइट हाउस के पास और वहीं जाके आप सबसे मिलते हैं। तो देख ही सकते हो गाइस कि माइकल दादा बस पहुंच ही चुके हैं यहाँ पे, रोक रखी थी गाड़ी इनके हाथ में, पता नहीं क्या दर्द सा हुआ इनके, देखो नसें निकलने लग रखी है। तो लेट्स गो, चलो चलते हैं। आप देख सकते हो कि अपनी स्कॉर्पियो लेके निकल गए हैं, और वही आप देख सकते हो यहाँ पे सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट है। जैसे कि आपको पता है ये सिक्योरिटी अभी तक हटवाई नहीं, और ये सोच रहे कि हटवाए भी नहीं। आप वैसे काफ़ी लोग कह रहे थे कि सिक्योरिटी परमानेंट ही रखो, तो ठीक है परमानेंट रखते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे ना मेन चीज़ ये सिक्योरिटी हम बाद में क्यों हटवा रहे थे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर बार मीटिंग यहीं पर ही रखें हम, क्योंकि बंदे वगैरह आते हैं ना बाहर जो टूरिस्ट वगैरह घूमने के लिए, वो भी यहाँ देखना चाहते थे, इसलिए फिर यहाँ सिक्योरिटी का चक्कर ज़्यादा हो जाता है। पर अभी हाई अलर्ट में कर रखा है एरिया हमने, क्योंकि आपको पता है क्या दंगे चल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें वगैरह हो रही है, इसीलिए अभी हाई अलर्ट पे रख रखा है। तो कोई और बंदा बाहर का अलाउड ही नहीं है, कल भीड़ भूड़ लग गई थी उसी चक्कर में आपको पता है। पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या कर सकते हैं, अब मानेंगे थोड़ी ये बंदे भी, तो इसलिए दोबारा ये सीन कर दिया। कल ये पीछे वाले ये सारी चीज़ें हट गई थी, पर दोबारा कर दिए क्योंकि मैंने बोल दिया था भाई सिक्योरिटी करो दोबारा, और ऐसे नहीं चलने वाला। एक तो उस मीडिया वाले भी इतना गुस्सा आ रहा ना कल, जो खिकी खिकी कर रहा था, मेरी ऐसी तैसी हो गई थी मैंने टीवी पर जैसी देखा,
बहुत गंदा दिमाग घूमा था मेरा तो। लेट्स गो, गाड़ी अंदर खड़ी कर देना भाई, हम मैं यहीं से निकल रहा हूँ गाइस। तो इनको बोल देता हूँ, सुन रहा हो ए, 16 का डोला 46 की छाती, गाड़ी अंदर कर दिया नहीं तो भीतर दे दूंगा सारी गोलियाँ। लेट्स गो गाइस। है क्या वाला स्वैग में चल रहे हो, तो यहाँ पे सिक्योरिटी चलती रहती है गाइस। इनकी भैंस की आंख, ये ना हल्के में ले रहे हैं हमारे माइकल को, उतना सिक्योरिटी नहीं रखता माइकल, ऐसी बनता घूमता फिरता, इन्हें नहीं पता इनके धंधे क्या चल रहे हैं माइकल दादा के। देख रहे हो गाइस सीन यही है ना, माइकल दादा जब अपनी में आ जाते हैं ना, जब दिखा दिया किसी दिन से, तो ऐसी ऐसी करेंगे ना सबकी, ऐसी ऐसी करेंगे बोले तो ऐसी तैसी खत्म, बेहतर फाड़ के रख देंगे। ये बात है। तो अभी आप देख सकते हो कि माइकल दादा जा रहे हैं अपने व्हाइट हाउस के अंदर ही, जो मीटिंग है आज जाना पड़ेगा। कल आपने देखा होगा कि इतने सब ये सब चीज़ें हट गई थी, दोबारा लगवा दिया माइकल दादा ने, और यहीं पे वो पीछे की साइड खड़ा था वो न्यूज़ वाला, अगर आपको याद हो तो, जो इतना बक 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 कर रहा था कि आए नहीं यहाँ पे, और ये तो गार्ड्स वगैरह थे, ये तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही थे गाइस यहाँ पे। और माइकल दादा आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपने कारपेट पे चल रहा है, और यहाँ से अब एंट्री हो जाएगी इनकी अंदर। अंदर आ गए हैं तो मीटिंग वगैरह करके गाइस आपसे मिलते हैं, असिस्टेंट वगैरह सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, फटाफट मीटिंग करते हैं, जो भी सीन बनता है, जो जो माइकल दादा के दिमाग है वो है अपना मीटिंग में भी बताएंगे, और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी हमारे माइकल दादा इस वाली लोकेशन पे आ रखे हैं मीटिंग वगैरह डन करने के बाद, देख रहे थे यहाँ का सब चीज़ें सही तो है, स्टोक वगैरह जो जो चीज़ें करते हैं वो सब बढ़िया है या नहीं है, और माइकल दादा ने जो दिमाग लगाया उसके बारे में आपको बता दूँ मैं, ठीक है। या फिर यहाँ से निकल के ही बताता हूँ गाइस, क्योंकि पहले व्हाइट हाउस से निकलते हैं और सीधा आपको बताना, क्या आपको दिखाता हूँ मैं वो चीज़ कि हमने क्या करा है क्या नहीं, ठीक है। तो लेट्स को पहले यहाँ से निकलते हैं सारी चीजें देख। तो ओके गाइस, माइकल दादा ने फ्रैंकलिन को भी ले लिया उसके घर से, और यहाँ पे तो सिक्योरिटी आपको पता है कि कितनी टाइट थी, तो वो टाइट सिक्योरिटी अभी भी इसके घर से हटाई नहीं है, तो फ्रैंकलिन को ले लिया। वैसे ये इस घर में रहता नहीं था, क्योंकि आपको पता जब अमांडा और ट्रेसी यहाँ पे रहती थी जब ये यहाँ पे नहीं रहता था, अब अमांडा और ट्रेसी को तो मैं वहीं लेके अपने घर पे ले जाऊँगा ना, अब कोई दिक्कत वाली बात मेरे को लग नहीं रही इतनी, तो इसलिए अब सिक्योरिटी तो है पर अब ये खुद रह रहा है। मैंने कहा भाई देख रहे हैं तेरे को हटा नहीं हटवाला, अब देखो मांडा दी, इसलिए मैंने तुमको बोला हुआ था। और जो चीज़ बारे में मैं आपको, जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बता रहा था ना गाइस, वो सीन कुछ ऐसा है, माइकल दादा ने अपना दिमाग लगाया और गवर्नमेंट फंड से लॉस सैंटोस के जितने भी बंदे गाइस उनके अकाउंट में पैसे भेजे गए हैं, गवर्नमेंट के फंड से अब पैसे भेजे गए हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन कौन बंदे एटीएम के, बोले तो यहाँ पे जो बड़ा बैंक है ना गाइस, हम वहाँ पे जाके देखने वाले कि कितनी भीड़ लगेगी या कितनी नहीं। जैसे आपको पता मैं कई बार गया हूँ तो भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं होती, पर आज जाके मैं देखना चाहता हूँ कि आज क्या सीन चल रहा है और ये चीज़ क्यों करा, ताकि लोगों लोग भी बोले कि हाँ भैया ये जो है प्राइम मिनिस्टर है यहाँ का कुछ काम कर रहा है, जो न्यूज़ वाले फुद्दूपंती कर रहे हैं ना गाइस, जो आपने भी सुना कल क्या कहा था उन्होंने, वो सीन नहीं है हमारा, हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं कि लॉस सैंटोस के रोडों का भी काम चल रहा है, जो ये रोड वगैरह है ना गाइस, तो इसमें भी हम क्या क्या काम करवा रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अरे हट जा भाई, क्या है, तो यहाँ पे भीड़ तो लगी पड़ी है, अंदर जाके देखते क्या सीन है क्या नहीं। अभी सबके अकाउंट में पैसा जाने में टाइम तो लगेगा ही, ऐसा नहीं है कि हमने सबके में ही भेजा है गाइस, बंदे सेलेक्ट करेंगे, जो अमीर है ऐसा उनके अकाउंट में भी पैसे भेज देंगे, उससे थोड़ी बनेगा कुछ प्लान। तो जिस चीज़ को भेजना चाहिए था हमने सिलेक्ट कर रखे कि भाई इतने ही जितने जितनों की इतनी सैलरी है उनके अकाउंट में हम ऐसे ऐसे करके पैसे भेजेंगे, ऐसे सिलेक्ट करा पूरी टीम ने, और पैसे जाने चालू भी हो चुके हैं। और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, सुनने में तो आया है कि भैया भीड़ भूड़ हो रही है काफ़ी अच्छी खासी, तो लेट्स गो आपको भी दिखा देते हैं। अरे भाई गार्ड्स यहीं खड़ा हुआ है गाइस, अरे रे 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 भाई 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 रे, फ्रैंकलिन आइडिया काम कर रहा भाई हमारा है, बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हो गाइस, फ्रैंकलिन को भी मैंने आइडिया बता ही दिया कि क्या सीन है क्या नहीं। अब इस साइड देखते हैं कि क्या सीन, तेरी भैंस की आँख, इतनी भीड़ देखी है गाइस कभी आपने, कभी इतनी भीड़ देखी है इस वाले बैंक में, नहीं ना। चलो लेट्स गो, ये वाला गेट खुला है क्या, मैं एक बार ऊपर से भी दिखाता हूँ आपको, वहाँ से आपको तसल्ली से दिख जाएगा। और अब बोलो भैया कौन सा, हमारी गवर्नमेंट काम करती है नहीं करती है, देख सकते हो यूं ही पैसा नहीं पहुँचा, यूं ये एटीएम नहीं आया निकलवाने के लिए अपने अकाउंट में, देख सकते हो गाइस ये देखो कितनी भीड़ हो चुकी है यहाँ पे। अब बोलो ना कहाँ गया वो न्यूज़ वाला, अब ये दिखाए ना कि भैया जो हमारे पीएम उन्होंने पैसे भिजवाए इन लोगों के अकाउंट में, ये थोड़ी दिखाएगा वो, उसको तो यही दिखाना है कि हमारे पीएम मीटिंग में नहीं आ रहा, ध्यान नहीं दे रहा है, यही तो दिखाएगा ना वो। ऐसे इसकी मिल जाए ना मुझे एक बार नौकरी खा जाऊँगा उस सुअर की, मैं मजाक नहीं कर रहा गाइस, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये देख सकते हो आप दिमाग ख़राब से। तो चलो फाइनली सबके अकाउंट में धीरे धीरे पहुंच जाएगा, जितनों का मैं पहुंच गया वो यहाँ पे भीड़ लगा के खड़े हो गए, इनको लग रहा है कि पैसे दोबारा चले ना जाए इसलिए आ चुके शायद ये पैसे निकलवाने के लिए ही, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब सीन कुछ ऐसा है, मैं आपको बता दूँ, जो फ्रैंकलिन है और हमने गाइस यहाँ पे ना जो एक बंदा आपको बता दूँ पकड़ा था उन्हीं गैंग वालों की तरफ से जो अटैक वगैरह करवा रहे थे,
तो जो हमारे फ्रैंकलिन की टीम है वो लगी पड़ी है उससे बुलवाने के लिए सच वगैरह, और उसने अभी तक बोला नहीं है, पर मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि उस बंदे को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसे क्या क्या कर रहे हैं, मार मुर के भूत बनाया है नहीं है, वैसे बनाया तो होगा ही, फिर भी यार एक बार आपको भी दिखा देता हूँ मैं वो बंदा, तो चले फ्रैंकलिन हम चलो चलो तो देखते हैं इसकी टीम वगैरह भी आपको दिखा दूंगा गाइस कैसे क्या क्या सीन है। लेट्स गो, हम जा रहे हैं नीचे की साइड और यहीं से बाहर हमारी गाड़ी खड़ी हुई यार, सिमियन पता नहीं गाड़ी कब तक देगा गाइस, जिमी को भी लेके आना, दो गाड़ियां तो लेके जाऊंगा मैं जब, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कि तो भाई बैंकों के पास कितनी भीड़ लगी पड़ी है, ज्यादा ही भाई भीड़ वगैरह हो रखी है गाइस। बैठ भाई जल्दी बैठ फ्रैंकलिन यार, लेट्स गो मेरे भाई। पर उससे पहले एक काम करता हूँ गाइस, मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो रोड के जो कंस्ट्रक्शन वगैरह मैंने काम चालू करवाए हैं ना, तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भैया माइकल दादा वो काम भी कर रहा है जो इस काम के लिए बैठा हुआ है यहाँ पे, तो देख रहा ओ ये क्या हो रहा है, वैन को पता नहीं क्या, ये भैंस की न्यूज़ वाला इधर ही है क्या, न्यूज़ वाले की वैन तो खड़ी है, पर दिख जाए ना मैं भूत बना दूँ। बाकी देखते क्या सीन है क्या नहीं गाइस, तो फटाफट हम चलते उस वाली लोकेशन पर, वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कैसे क्या क्या काम वगैरह चल रहा है। तेरी भैंस क्या करूँ मैं इन जैसे चोमू बंदों का, गाड़ी इसकी भैंस की आँख छोड़ने वाला तो मैं हूँ नहीं, इतनी गंदी टक्कर लगी है आंटी जी, इतनी गंदी टक्कर लगी आपका बाजू वाले ने हक दिया पैंट में, और आप क्या अभी अभी भी कोई दिक्कत नहीं है इसे, आप बाहर निकल। ओ फ्रैंकलिन ने भी निकाला है गाइस उसे, फ्रैंकलिन क्या करूं भूत बना दूं इनका, रहन दे छोड़, क्यों रहन दूं भाई, ये सुबह से दो बार यार, अब भाई इतना मेरा दिमाग खराब तो होएगा ही ना, ये भी तो सोचना तू, कोई नहीं कोई क्या ही बोलूं गाइस मैं ऐसे फुद्दू बंदे को। चलो यार इधर किधर से लगी हमारी गाड़ी, इस साइड से लगी है गाइस हल्की सी, पर चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं फटाफट उस लोकेशन पे जाके आपसे मिलता हूँ गाइस। तो लेट्स गो गाइस, बस पहुँचने ही वाले हम लोकेशन पे, इस साइड का रास्ते बंद क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहीं पे ही काम चल रहा है, मेन बात तो यही है गाइस। तो इसी साइड से था यार, एक तो रोड भी मैं अभी हल्का सा कन्फ्यूज़ हो गया हूँ, काम तो इसी रोड पर चल रहा है और इसीलिए बंद कर रखा है, पूरा रोड दूसरी तरफ से घूमते हुए जा रहे हैं बंदे जो जिसको जाना है गाइस। हाँ तो यही है, यही है गाइस, यही वाला इलाका है, क्योंकि मेरे को इतना याद सा नहीं आ रहा था, मेन बात तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे भी चल रहा है गाइस, ये खंबे खंबे देखे जा रहे हैं भैया, अच्छी तरह काम कुम हो रखा है खंबों का, यही अपनी गाड़ी हम यहीं खड़ी कर देते हैं, क्योंकि गाड़ी अब आगे की साइड क्या ही लेके जाएंगे क्योंकि बंद कर रखे रास्ते। आ जा फ्रैंकलिन, लेट्स गो। तो ये आ गया फ्रैंकलिन भी, ये देख सकते हो गाइस ये क्या कर रहा है, दौरे पड़ रहे काम वाले को, पता नहीं गाइस क्या सीन चल रहा है, और यहाँ पे खंबे में वेल्डिंग वगैरह का देख रहा है। तो यहाँ से मेन काम ये है गाइस, ये देखो साइड में जो ये दिख रहे हैं ना आपको, मेन दिक्कत ये है हमने टूट गया है यहाँ पे, गाड़ियों का एक्सीडेंट इतने होते हैं, मतलब कोई भी गाड़ी अगर यहाँ पे ये टूट गया है ना, कोई भी गाड़ी जाएगी सीधा नीचे है वो, तो इसलिए डिवाइडर वगैरह बनाने जरूरी है काफ़ी ज़्यादा। क्यों फ्रैंकलिन भाई साहब कहाँ रहेगे तुम, फ्रैंकलिन मेरे को लग रहा है गाइस हल्का होने चले गया है, भूतनी के को मैंने इतनी बार, वो देखो उससे बात करने लग गया भाई, उससे बात करने को किसने बोला इसे, इस सुअर को कौन समझाए, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है गाइस। हाँ भाई क्या बातचीत चल रही है यहाँ, अरे मैं पूछ रहा था ये कैसे जमा रहा है रोड अच्छे से, वो देख रहा था भूतनी के, सुधर जा तू चला ऊपर चल, चलो चल भूतनी के, बहुत बात करने लग गया तू, रुक जा तू, चल ले तू माइकी, चला जा जा जल्दी आ जा। तो गाइस आ रहा है ये, तेज झोला पकड़ के भागता रहता है पता नहीं क्या, जब से यहाँ पे आया है ना गाइस ये, तो यहाँ पे वैंस वगैरह भी खड़ी है जो ये यहाँ पे काम वगैरह कर रहे हैं, सीमेंट वगैरह आ रहा है लगता है इसमें गाइस भर भुर के, क्योंकि ये बरान है ना अच्छी तरह काम कुम हो रहा है, ऐसे फुद्दू काम नहीं करते, देख सकते पूरा ये रास्ता बंद कर रखा है, वैसे मेन है वैसे ये काम ना जल्दी जल्दी करवाना हमें, क्योंकि ये ना देखो एयरपोर्ट की साइड जाता है रास्ता, तो जितना जल्दी हो पाए उतना, क्योंकि उस जगह फिर ट्रैफिक लग रहा है गाइस जिस दूसरी तरफ जहाँ से ऑन करवा रखा है, तो देख लो मस्त। अरे तेरी भैंस, ये कैसा काम कर रखा भाई इन्होंने, ओ फ्रैंकलिन हाँ बोल, कैसा काम कर रखा है देखियो, अभी तो काम चल रहा है ये देखना ये क्या हो रहा है, अच्छा सेट नहीं कर रहा है गाइस ये अभी, और ओके। ये वो है जो गाड़ी पे ठुकती है तो ये रोक लेता है डैमेज। हाँ गाइस तो मेन बात इसका कैसे होता है ये काम में ये भी आपको अभी दिखाऊंगा। अच्छा ये टॉयलेट वगैरह होंगे इनके ना, हाईवे पे टॉयलेट की सुविधा बहुत अच्छी बात है, अबे ये टॉयलेट वर्कर की है आरामी हाईवे पे भी लगवानी चाहिए वैसे हम, अरे हाईवे पे भूतनी के हर जगह यहाँ कर दू, जहाँ सोच वहाँ शौचालय गाइस, ये देख कंस्ट्रक्शन वालों को यहाँ पे ट्रक वगैरह भी खड़ा हुआ है, आ जाओ आ जाओ। और ये सीमेंट की बोरी वगैरह भी यहाँ पे लगी पड़ी है और यहाँ पे रखी हुई है, अब यहाँ पे ये काम होने वाला है, देखो ये अच्छी तरह कर भाई ड्रिल कर, मुझे दिखाना है कैसे कर रहा है तू, जोर लगा लगा तेरी भैंस की जोर लगा, हाँ तो देखो गाइस ये देखो जोर लगा रहा है, ऐसे काम कुम चल रहा है यहाँ पे, और ये अच्छी तरह लगाएंगे फिर यहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ का ये पूरा टूट गया, कोई भी गाड़ी आती सीधा नीचे वाले रोड पर पहुँच जाती है अगर कोई ज़्यादा सलमान खान बन रहा होता, तो मेन सीन यही था ना। तो चलो काम कुम हो रहा है ये देख सकते हो, ये पुराना टूटा हुआ निकाला यहाँ पे जो हल्का फुल्का लटका पड़ा था,
और यहाँ पे जितने भी काम की चीजें आनी थी ये सब आ चुका है। अब मैं वो रोड का आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे वो काम करता है, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। फ्रैंकलिन हो रहा, चलो फ्रैंकलिन आ जाए, एक बार दिखा देते हैं ना कैसे क्या क्या काम होता है। चलो चलो चलो, ये इसी ट्रक में दिखा देता हूँ गाइस मैं आपको, इन्हीं वर्कर के ट्रक में बैठ भाई। तो अगर कोई भी गाड़ी पूरी तेज तेज आ रही हो गाइस, पूरी तेज भागे भागे आ रही हो और इस पर ठुक जाए, तो ये बात है ये पीछे हो जाता है ऐसे करके, तो जिससे काफ़ी ज़्यादा बचाव हो जाता है गाइस। है नहीं मस्त चीज़ है गाइस वैसे तो, ये पूरी एक नंबर की चीज़ है। ये देखो पीछे अभी भी हो जाएगा, तो आप बोलो है नहीं बढ़िया चीज़। बाकी अगर रास्ते में और ऐसी चीज़ें हम काफ़ी ज़्यादा लगवा रहे हैं, रास्ते में और दिखेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो लेट्स गो, और अब हम निकलने वाले उस वाली लोकेशन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, फ्रैंकलिन ने बंदा पकड़ के रख रखा है वहाँ पे, और देख सकते हो ऊपर भी वो देखो सामान वगैरह वो जो यहाँ पे लगने की है वो चीज़ें भी उतरी हुई है। चलो भाई काम कुम करो तुम अच्छी तरह, आता हूँ मैं भी गाइस यहाँ पे दोबारा आएंगे जब काम हो जाएगा सब कुछ। तो लेट्स गो, तो गाइस बस हम पहुँचने वाले लोकेशन पे गाड़ी लेके, तित्र की तरह हम वहाँ से निकल चुके थे, और देखते हैं कि भैया कैसे क्या क्या है, इसने कितने बंदे वहाँ पे बिठा रखे हैं, आपको भी दिखा दूँ और क्या क्या सीन चल रहा है वहाँ का। लेट्स गो, हल्की सी लोकेशन रहेगी, मतलब सामने की साइड हमें जाना है, वो हमें रास्ता पता चल चुका है कि किस साइड से हमें कट लेने का है। ओके कोई दिक्कत नहीं आएगी, चक द बटन आप देख लीजिए, अंदर सामने दिल्ली नीचे से ही ले लेता यार, इससे अच्छा तो मैं फ्रैंकलिन है। ओ भैया क्या गुटखा खाने लग गया तू भी, पता नहीं भाई फ्रैंकलिन थोड़ा सा बिजी हो गया शायद गाइस पता, चलो कोई दिक्कत नहीं है हम अपना चलते हैं मस्त। और मेरे ख्याल से मैं कुछ ज़्यादा ही आगे लेके आ चुका हूँ, पर चलो कोई नहीं हम यहीं से कट ले लेते हैं। चल भाई जल्दी ले खुल जा सिम सिम, इस साइड से भी रास्ता है ही यार, तो फिर क्यों दिक्कत लेनी है अपन को, जहाँ पे वो हेलीकॉप्टर उड़ता वो दिख रहा है ना गाइस वहीं पे अपन को जाने का है, और यहाँ से मैं सीधा आराम से जा सकता हूँ, बिल्कुल आराम से जाएंगे प्यार से पहुँच जाएंगे। ओके तो इधर की साइड से ही रास्ता है, तो फ्रैंकलिन गाइस गुटखा खाने में बिजी हो गया, पता नहीं कहाँ से आदत लग गई है इसे। वो भाई क्यों खाता तू गुटखा? मैं गुटखा नहीं खा रहा था, मैं एयरफोन लगा रखे थे तो आवाज नहीं आई। फिर देख लो भाई, ये बहाने देख लो इसके, बाकी खाता ये चनी चनी है। लेट्स गो, अरे रख जा तू तेरा, हाँ मतलब खाता तो था गाइज देख सकते हो आप। हाँ तो पहुंच चुके हैं गाइज हम लोकेशन पे ही, हमें यहीं से अंदर लेने का है, और अंदर का सीन क्या क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो भाई चल 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 जल्दी 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 यहीं से ले लेंगे गाइज हम, तो ये देख सकते हो आप ये, अरे वाह 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 वाह, चलो 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 लेट्स गो भाई। ये क्या थारा फुप्पा खोलेगा, फ्रैंकलिन क्या करवा रखा है? वो अभी तेरी आइडेंटिटी आइडेंटिफाई, मेरी आइडेंटिटी चाहिए, तेरी नौकरी खा जाऊंगा भूतनी के। अब तो अच्छे से अपनी शकल करके आया कर यहाँ पे, शकल अच्छी है गाड़ी दूसरी लाया हूँ आज मैं, बस वो बात है। तो चलो गाइस आ चुके हैं हम, आ जा भाई आ जा। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस सिक्योरिटी तो पूरी टाइट है ही, आर्मी इसने अपने मिलिट्री वाले बंदे तो खड़े करवा ही रखे साथ ही साथ। ओके गाड़ियाँ हैं, चीज़ें वगैरह भी रखी हुई है, अंदर से ऊँ क्या आवाज़ आ रही है भाई, देख ले अब जाके देख अंदर तुझे पता चल जाएगा। देखेगा इस क्या क्या सौदा पानी करवा रखा है तेरी भाई, इन्होंने अंदर तो डाटा वगैरह भी लगवा रखे भाई अच्छी तरह। क्या बात है क्या बात है भैया, कॉफी कूफी तो जरूर चाहिए, नए से थोड़ी मान लेंगे गाइस ये। तो ये देख सकते हो गाइस, ओहो अच्छा ये टेंट भी लगा रखे इनके सोने के लिए गाइस, चलो बढ़िया यार सोना सोना तो जरूरी है, टेंट उंट के लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा इसे। ओके बाकी ये चीज़ें क्यों लगा रखी है ऐसे, ये भी देखना पड़ेगा। ओके तो यहाँ शायद इनका जिम विच जोर चलता है गाइस, आ जा बेटा आ जा जल्दी आ जा। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे पूरा ये जिम वगैरह करते हैं, सही है भाई और क्या ही चाहिए, करो भाई जोर लगा के हाई सा। लेट्स गो, जोर वगैरह लगा रखे हैं, और अब आपसे उस बंदे से मिलवाएं तो यही होगा भाई, क्योंकि रास्ता एक यही रह चुका है, यहीं पर है फ्रैंकलिन क्या वो? हाँ इधर ही है। चलो ठीक है गाइस, वो अपना वहाँ बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे भी देख सकते हो इनके बंदे वगैरह खड़े हुए हैं, वो तेरी ये रहा वो बंदा। ओके फ्रैंकलिन गाइस अलग ही रास्ते से आया भाई, यहाँ से रास्ता तो बता तो देता। कोई नहीं अब तेरे को अकल नहीं है तो मैं क्या करूं, अकल की बात कर रहा मैं आया हूँ यहाँ पे कभी भूतनी के। तो गाइस ये वो बंदा है जो पकड़ा है वहाँ से, इसकी हालात देख सकते हो मार मार के क्या कर दिए गए हैं। तो भाई ये जो इसका मास्क वगैरह लगा रखा है इसको उतार के दिखाना मुझे, अभी उतारता हूँ। ओए उतार रे। तो गाइस इसका मास्क वगैरह भी उतरवाते हैं, और इसके हालात देख सकते हो अभी ऐसे हो रखे हैं भैया, तो कतई नशे में चुल हो रखा लगा रखे है, कितनी जोर के डंडे मारे भाई। टॉर्चर किया उसे, टॉर्चर भाई बहुत गंदा ही टॉर्चर करा है गाइस देख। ओ ये काटने वाला रखा हुआ, काट कूट तो नहीं दिया इसका, काट दिया फेंकाए नदी में। तो देख सकते हो गाइस लगता है उंगली उंगली काट कूट के फेंकाए हैं गाइस इसकी। ओ भाई ये भी दे दे के मारे भाई से। चलो इसका एक बार मास्क कटवाते और आपको इसकी शक्ल दिखाते हैं। तो गाइस इसने मास्क कटवा दिया है और दिखा तो आप शकल भाई साहब, ये क्या कौन कैसा बंदा उठा के लाया भाई तू ये?
यही मेला है वहां पे देख सकते हो गाइस। और इसके होट ही ऐसे संतरे जैसे, भाई तेरी तरह खाता तो नहीं क्या ये? चैनी चैनी खानी है इसे। तो जेब में निकली होगी गाइस, जिसके उसके होट देख के भी ऐसे लग रहा है। इसके बालों का स्टाइल देखो भाई, ये इस बंदा देख के पता चल रहा है भाई ये बंदा ऐसे ही काम करने वाला है। अभी इससे बुलवाने की तो बहुत कोशिश कर रहे हैं गाइस, पर अभी जितना थोड़ा बहुत ही इसने बताया क्या कर रहा है, दर्द हो रही के यही दर्द निकालेंगे तेरी अभी। तो देख सकते हो गाइस यहाँ टॉर्चर भी करा इसे, मार मुर के बहुत गंदी तरह। और इसके बाल आपको मैं दिखा दूँ तो गाइस ऐसे कुछ इसके बाल है, ये देख लो इसके बाल। हाँ इसके सिर पर चढ़ेगा क्या माइकल? इसके बाल काट दूँ तू बोले तो? भाई ये स्टाइलिश का सही लग रहा है, रहने दे इसे, सच बुलवाओ जितनी जल्दी हो पाए गाइस। और ये देख सकते हो करंट मारने वाली, ये देखो बैटरी कनेक्ट कर रखी है, कती इसके छाती पे कनेक्ट करें, करंट मार देते हम बड़ी जोर शोर होगा। चलो बढ़िया, बाकी इसको मार मार के खूनो खून कर रखा है क्या ये? और खींच के लाए उन्हें घसीट आई से, देख सकते हो गाइस की क्या ही सीन कर रखा है। बाकी लेट्स सी क्या क्या सीन होगा, कब तक ये बोलेगा। बाकी कोशिश तो बिल्कुल लगी पड़ी है, टीम यहाँ पे लगी पड़ी है, जो जो बता रहा है वो सर्च वगैरह हो रहा है यहाँ पे। हम यहाँ से निकलते हैं। चलो भाई तो यहाँ पे सही है, टेंट वाली लोकेशन से ही था क्या भाई? मुझे नहीं पता था गाइस यहाँ से जगह है, पर चलो हम बाहर चलते हैं। और अब टाइम हो चुका है जिमी के पास जाने का गाइस, जिमी को लेके आते हैं। डॉक्टर कहेगा तो देखते हैं भैया, वैसे डॉक्टर ने कहा था कि ले जा तो सकते हो बाबा, पर उसका ध्यान थोड़ा रखना हमें पड़ेगा। बाकी दो गाड़ियाँ लेके चलते हैं। फ्रैंकलिन अपने किसी बंदे को बोल हॉस्पिटल को उधर गाड़ी लेके आ जा, ठीक है? ठीक ठीक मैं करता हूँ। हाँ बाकी तू मेरे साथ चल अभी। तो लेट्स गो गाइस, अभी तो हम इस वाली गाड़ी में ही जाने वाले हैं, अपनी इस वाली में। और फ्रैंकलिन बोल ही देगा अपने बंदे को, वहाँ पे गाड़ी लेके पहुँच जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत वाली बातें नहीं रहेगी। तो लेट्स गो, और जिमी पुत्र को लेके आते हैं आज फाइनली, क्योंकि अरे बंद कर रखा है क्या? ओके तो गाइस ये रास्ते ही बंद कर रखे हैं। अरे रे रे रे, फ्रैंकलिन ने भी टाइट सिक्योरिटी रखता है बंदा भी। पर तुम्हें तो पता हम तो आखिर आगा, हमसे ना टकराना, हम हर जगह से रास्ते ढूंढ लेते हैं गाइस। और निकल चुके हैं हम भी, अब सीधा जा रहे हैं पैलेटो में हॉस्पिटल, जहाँ पे जिमी एडमिट है। जिमी को लेके जाएंगे, मस्त मौज करके आएंगे, एक नंबर का मजा आने वाला है। लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दो जल्दी से। तो लेट्स गो, चलते सीधा पैलेटो बे। तो ओके गाइस, तो थोड़ा सा दूर रहा है हॉस्पिटल, और मैं यहाँ पे दोबारा रुका था गाय वाली लोकेशन पे, जहाँ पे गाय वगैरह बिकती है। तो इनसे भी मैंने डील वगैरह डन कर लिया, एक प्राइस हमने फिक्स कर लिया, जिस प्राइस में हम यहाँ से गाय लेके जाने वाले हैं, काफ़ी जल्दी लेके जाएंगे। तो बैठ भाई जल्दी जल्दी बैठ, उतरी के जल्दी जल्दी। अरे अरे बस्ता इतना भारी दे रखा ना, तूने साथ ही साथ 15 अगस्त को गाइस बोले तो कल शायद आपको एक रैली देखने को मिल सकती है यहाँ पे, हमारे जो माइकल दादा सोच रहे हैं। बाकी लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं, वो तो अब आपको देखने को मिल ही जाएगा। रे बाबा फ्रैंकलिन काम हो जाएगा वैसे रैली का? पहले मेरा ये बस्ता कब हटेगा ये बताओ। तेरा बस्ता हट रहेगा, तू ही लेके घूमता रहता है, तेरे को बोला किसने? ट्रेनिंग चल रही है मेरी हुई। तो देख सकते हो गाइस पूरा जो कर्नल है ना पुराना, उसने बोला है कि हर बार देखो ये बस्ता लेके जाना, नहीं तो तू अपने आप को आलसी भरा फील करेगा, इसलिए इसको लेके घूमना पड़ता है। हटा ले भाई कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो, कल हटाऊंगा 15 अगस्त की। तो देख सकते हो गाइस ये हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल में, जाकर डॉक्टर से बात करने वाला हूँ मैं। और साथ ही साथ जो बंदे को फ्रैंकलिन ने बोला था गाड़ी के लिए, वो गाड़ी लेके पहुंच चुके हैं, यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी है, रिसेप्शन में चाबी देकर चले गए। और गाड़ी कौन सी खड़ी करी है वो मैं आपको बता दूँ, तो फॉर्चूनर है गाइस गाड़ी, तो ये देख सकते हो यही खड़ी है यहाँ पे। सही है भाई, बढ़िया गाड़ी खड़ी करके गया है ये। फ्रैंकलिन के काम है, फ्रैंकलिन के जादू, फ्रैंकलिन के काम। तो लेट्स गो गाइस, उधर भाग गया। तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं हम अंदर की साइड, डॉक्टर साहब जी से बात बूत करते हैं। तो देख सकते हो आप यहाँ पे जिमी है, पहले जिमी से ही बात कर लेते हो ना, डॉक्टर से तो मैं तसल्ली से कर लूँगा। अरे लड़कियाँ कितनी राजी हो रही है, सैम देख रहे हो कितनी राजी हो रही है गाइस। क्या हाल है जिमी, ठीक है? अब बढ़िया है। हाँ जी पिताजी, यार अब तो ठीक हूँ वैसे तो। तो देख सकते हो गाइस जिमी से अब बात हो रही है मेरी, अब थोड़ा ठीक ठुक हो रहा है, बस थोड़ा सा इसकी आवाज को आपको दिख रहा है ऐसा है भैया, इतना तो हो गए गाइस। इसके बाल बुल भी बढ़ गया, जिसकी कटिंग वगैरह मैं करवा ही दूंगा, शायद आज ही कट करवा दूँ। और देख सकते हो कपड़े कुपड़े इसके चेंज करवा दिए, अब ये बिल्कुल ओके। वैसे डॉक्टर ने बोल दिया खतरे से बाहर है, पर उस दिन जो टू 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 हुई थी ना बड़ी गंदी भाई, ऐसी तैसी हो गई थी, मतलब आपको भी पता है। इसे नहीं पता कि इसकी सांसें रुक गई थी, इसे बताया भी नहीं है गाइस। तो ये देख लो, ये इसके बाल बूल देख लो कैसा बन गए। तो कोई नहीं, ये सब काम भी करवाएंगे हम फटाफट। और ये देखो कितनी राजी हो रही है दोनों, वाह रे वाह, हाँ हाँ घर लेके जा रहे हैं, पता है। तो इसी के लिए भाई मैं बात करके आता हूँ जिमी, ठीक है? मैं एक बार बात करके देख लेते हैं, आज वैसे कह तो रहा था वो आज ही देखो छोड़ देगा, ठीक है? चल ठीक है। तो गाइस देख सकते हो, तो लेट्स गो, चलो करते हैं इससे बात वगैरह।
डॉक्टर साहब जी से, और जो भी बात होती है फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके गाइस, तो सब कुछ रेडी है। जिमी को व्हील चेयर पर बिठा दिया, व्हील चेयर पर लेके जा रहे हैं। ऐसे चलने को तो चल भी ले, पर डॉक्टर ने कहा ऐसे ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेके जा रहे हैं ऐसे। जिमी एक सेकंड रुकियो। तो जिमी कह रहा है वो मैं खुद चला रहा हूँ क्योंकि वो कंट्रोल हो जाती है गाइस, ठीक है। तो मैं तो कह रहा था धक्के वाली ले आता हूँ, कह रहा नहीं। ये देखो फ्रैंकलिन यहाँ खड़ा हो चुका है गाड़ी लेके, ये वाली जिसमें अमांडा है और सैम, वो जो डॉक्टर के पास है गाइस, उससे देख पूछ रही है कि कौन कौन सी दवाइयाँ क्या क्या है सीन है। वैसे जा तो अमांडा रही थी, सैम ने कहा कोई नहीं मैं खुद ही देख लूँगी। तो सैम चलेगी हम वहाँ पे, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। तो ये गाड़ी मैं इधर लगा देता हूँ और ये मेरे पीछे आता ही रहेगा, क्योंकि देखो यहीं पे यहीं से निकलेगा ना जिमी, तो इसको चुपचाप पीछे लिटा देंगे फिर जिमी को, और सैम को मैं अपनी गाड़ी में बिठा लूँगा। और अमांडा उस वाली गाड़ी में ही है क्योंकि जिमी को ये पूरी सीट चाहिए। ओके, तो गाड़ी मैंने यहाँ लगा दिया है और वो कह रहा है मैं खुद ले आऊँगा, तो वेट करता हूँ गाइस, देखता ही जाएगा अपने आप। यार ऐसी कोई दिक्कत वाले तो कोई बात है नहीं। हाय रब्बा, बड़े दिनों बाद ऐसी कोई चीज पकड़ी है हाथ में, पर चलो कोई जोर लगा के। अरे अरे खुल जा छिम छिम, खुल जा टिम टिम, खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया। बाहर पिताजी है ना। अरे यार मन तो कर रहा है इसको लेके ही चले जाऊं, पर पिताजी मानेंगे नहीं। अरे पिताजी आ गया मैं, अब बताओ क्या करने का है यार। आई रे बाबा दर्द हो रहा है रे। तो जिमी आ चुका है गाइस, जैसे कि आपने देखा ही कैसे ये निकाल के लाया है गाड़ी, मतलब अपनी व्हील चेयर, तो आराम से लेके आ चुका है। रुक 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 रुक, मैं गाड़ी खोलता हूँ, जब तेरे को उठा के अंदर डालेंगे आराम से, तू लेट ही जाइयो यही ठीक रहेगा तेरे लिए। वैसे बैठ भी जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। सैम भी अभी आती होगी गाइस। तो जिमी को हम अंदर रखते हैं अपना प्यार से। एक बार गेट गुट भी मैं खोली दूँ। गेट तो भैंस की आँख, मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये हरामी क्यों नहीं आ रहा। इसमें रखते कैसे, ये वाली गाड़ी थोड़ी बड़ी भी लग रही है। कौन से में रखे भाई, फ्रैंकलिन? मैं तो कह रहा हूँ फॉर्च्यूनर में रख दे, कंफर्ट है पीछे। फॉर्च्यूनर में रखूँ गाइस? कंफर्ट तो भाई स्कॉर्पियो में भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर देखते हैं गाइस किस में रखे किस में नहीं, लेट्स सी। अब आपको दिख जाएगा जब रख देंगे। तो ठीक है गाइस, सब सीन डन है। मैं अब ये फॉर्च्यूनर नहीं, हाँ फॉर्च्यूनर चलाने वाला हूँ, ये अब ये स्कॉर्पियो चलाएगा। व्हील चेयर एक हमने एक्स्ट्रा ले ली इनसे, मगर कभी भी काम आ सकती है, तो रख ही लेते हैं गाइस। वो देखो ऊपर रख दिया है। सैम अब मेरे साथ इस वाली गाड़ी में बैठेगी। जिमी यहाँ पे है। जिमी कोई दिक्कत, जल्दी बता। कोई दिक्कत नहीं है पिताजी, बिल्कुल रिलैक्स मोड चल रहा है। तो देख सकते हो कह रहा रिलैक्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। सैम चल आजा चलते हैं। अरे सॉरी 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 बिटिया रानी ही। तो लेट्स गो, व्हील चेयर रख दिया। अमांडा आराम से आइयो, फ्रैंकलिन आराम से चलाइयो। तो चलो फटाफट गाड़ी में बैठते गाइस और निकलते हैं यहाँ से। बैठ सैम बैठ, ये गाड़ी हमने कर दी है बंद और अब हम निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है गाइस। आ जाओ आ जा भाई आ जा, तू भी जल्दी गाड़ी निकाल के आ जा। तो गाइस देख सकते हो कि वो भी पीछे से गाड़ी लेके आ ही रहा है और उसमें व्हील चेयर हमने ऊपर ही रख दी क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। अरे पिताजी सुनो। हाँ बोल। यार पिताजी गुदगुदी सी हो रही यार, मेरे थोड़ी सी सैम को पीछे भेज दो ना यार, प्लीज यार। सैम को पीछे भेज दो, वो तेरी गुदगुदी दूर करेगी क्या? कैसी बातें कर रहा है तू? बैठ यहाँ बैठ जा आराम से, ठीक हुआ नहीं इसकी बदतमीजी चालू होगी गाइस। अब आप देख ही सकते हो, क्या ही बोलूं मैं इस लड़के को। पर चलो कोई नहीं गाइस, अब यहाँ से हम सीधा घर जाने वाले हैं और घर के दर्शन ही आपको दिखाने वाला है। पीछे स्कॉर्पियो आ रही है, उसमें व्हील चेयर लगी पड़ी है, आगे फॉर्च्यूनर चली रही है आराम से, जिसमें जिमी पीछे लेटा हुआ है। अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो, पुत्र जी आंखें बंद कर ले, रिलैक्स कर ले, बड़े दिनों बाद आंखें खुली थी गाइस इसकी कल, जैसे कि आपको। अरे ओ ये क्या पपियाँ दे रहा है मेरी गाड़ी को? वाह भाई मेरी गाड़ी में तेल है, क्यों धक्का दे रहा है? और फ्रैंकलिन भूतनी के, देख सकते हो गाइस फ्रैंकलिन के ड्रामे धक्का दे रहा है। वाह अरे वाह, दे ले भाई, मैंने इंजन बंद कर दिया अपना गाइस। अब आप देख सकते हो ये रहे मेरे दोनों हाथ, ठीक है तेरी भैंस की आंख। लेट्स गो गाइस। अरे बस भाई अब ड्रामे नहीं चाहिए गाइस, देख रहे हो क्या हरकतें कर रहा था ये? रुक जा भाई रुक जा रुक जा रुक जा। सैम एक काम करते हैं अपन ना जिमी के लिए गाइस फ्रूट वगैरह ले लेते हैं, है ना, ये सही बात रहेगी। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो भैया, गाड़ी चलाना तो फ्रैंकलिन बाबा से सीखो, भूतनी के गाड़ी नहीं चलाने आती क्या है वे? आप थोड़ी बोलेगा तेरी बेटा गाड़ी आराम से चलाएगा, बदतमीज आदमी, इसकी भैंस की क्या करा इसने तेरी भैंस की? चल कोई नहीं भाई, तेरे पैसे दे दो मैं जितने भी बनते हैं थोड़ा इस गाड़ी वाले ने, इसे देखिए तेरा फुद्दू बंदा ये, ठीक है तेरी भूतनी के तमीज में बोला कर, पैसे दे रहा था ना मैं तुझे। सैम जो जो लेना ना सब कुछ उठा ले, ठीक है मैं गाड़ी में ही बैठा। तो गाइस सीधा आपसे घर पे ही मिलते हैं। तो गाइस जिमी माना ही नहीं, अब आप देख ही सकते हो सैम पीछे बैठी हुई है। अरे तेरी भैंस की आंख, ये देखो सैम भी पीछे, जिमी भी बैठे, भैंस की पात सुंघाएगा क्या उसे? कहाँ बिठा दिया गाइस इतनी सी जगह मुझे? आजा फ्रैंकलिन आजा, तो लेट्स गो चलो घर पे, लेट्स गो गाइस। अब सीन ऐसा है कि घर पे लेके आ चुके हैं, जिमी बिल्कुल रिलैक्स कर रहा है, मैं नीचे टीवी देख रहा था और फिर कमरे में आ गया था, सोचा कि एक बार जिमी से आप। गेट बंद क्यों कर रखा है ना भूतने वालों ने? हाँ तो ये रहा गाइस देख, तो
जिमी ठीक है अब? मैं तो ठीक हूँ, आपको इतनी शर्म नहीं होने वाली बहू के सामने कच्छा पहन के आ गए आप मेरे कमरे में? तो बेटा ज्यादा मत बोला कर, कच्छा पहन के अपने होने वाली बहू के आगे आगे। चल सैम ध्यान रख इसका, बाकी जब बता दियो मुझे छोड़ना तो घर छोड़ दूंगा मैं गाइस। देख सकते हो ये भैंस की ज्यादा बोलने लग गया, ठीक क्या हुआ है ये बच्चा कम मानेगा मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और ये क्या कर रही है तू? तो बेटा फोन में लगा कर, ऐसे लठ मारू ना तेरा फोन ही ट्रेस करवाता हूँ, हिस्ट्री निकलवाता हूँ, किससे बतलाती रहती तू, रुक जाती ऐसे सी। तो ठीक है गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो हो पड़ता आपको आज की वीडियो में मजा आएगा, मजा आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ ही साथ एक बार कमेंट करके बता देना कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। मिलता है सबसे अगली एक ब्रांड वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय टाटा, चंगा फिर अगली वीडियो।